जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो गोरखपुर एम्स में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, बिग प्रॉब्लम, जी हाँ बिग प्रॉब्लम हो रही है। आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल बच के रहना है, और आपको किस चीज़ से बच के रहना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप, और स्वागत आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आप हमेशा मेरे नए अपडेट से अपडेट आप भी रहें। तो दोस्तों देखिए क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का शिकायत है कि सर मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, बस उसमें डेट और टाइम नहीं शो कर रहा है तो मुझे भगा दिया गया है। मतलब कि वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिला है ऐसा बोला गया है। कुछ लोग अपॉइंटमेंट भी लेके जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो मैं इस चीज़ से बता दूँ कि आपको कैसे बचना है। आप जब भी अपॉइंटमेंट लें, सबसे पहले आप जब भी अपॉइंटमेंट तो उस पर अच्छी तरह चेक कर लें कि डॉक्टर का नाम लिखा है कि नहीं, डेट और टाइम लिखा है कि नहीं। जी हाँ, उसके बाद आप फिर जाएं, और वहां जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। उस पर यहाँ नहीं यार, टोल फ्री नंबर उसमें लिखा होगा आपके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाले पर्ची पे, ठीक है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। दूसरी आपको बचने का तरीका क्या है कि आप अपॉइंटमेंट लेते समय अगर डेट और टाइम नहीं शो करता है तो आप उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दें, आपका पैसा वापस आ जाएगा, आपका पैसा लटकने वाला नहीं है। फिर जाके दूसरा अपॉइंटमेंट ले। अगर प्रॉब्लम ऐसा होता है तो आप प्रयास करें कि आप अपॉइंटमेंट रात को लें, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम यार जानते ही हैं, भारत कोई भी ऐप बनाता है तो उतना मजबूत नहीं बना पाता है, तो सर्वर प्रॉब्लम तो रहता ही है। तो आप प्रयास करें कि रात को अपॉइंटमेंट लें कि सर्वर प्रॉब्लम ना हो, आपको अपॉइंटमेंट अच्छे से मिल जाए। बाकी आप वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी इस प्रॉब्लम से बच सकें। थैंक यू, जय।